यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। वचन दिया सोचा नहीं होगा क्या परिणाम, सोच समझ कर कीजिए जीवन में हर काम। शत्रु धराशायी हुए पहला ही संग्राम। चंद्र तरे सूरज तरे डिगे अडिग हिमवंत देवव्रत का भीष्म व्रत रहे अखंड अनंत। है अपराधी भावना मृत्यु कामना मूल गया अग्निरथ रह गए शेष चिता के फूल। माता यह संभव नहीं भीष्म करे व्रत त्याग चाहे शीतल सूर्य हो बरसे शशि से सत्यवती की साधना भीष्म व्रती का त्याग जागे जिनके जतन से भरत वंश के भाग। धीर धुरंधर भीष्म का शिष्य धनुर्धर वीर उदित हुआ फिर चंद्रमा अंधकार को चीर। दे असीस ऋषि देव दे तुम्हें सदा वरदान गोद भरे जुग जुग जिए भाग्यवंत संतान। सबै भूमि गोपाल की
धार सुदर्शन चक्र की हरे भूमि का भार। नारी तेरे दुख में नारायण दुख मंत, रो मत तेरी कोख में, आएंगे भगवंत। अत्याचारी कंस की कुमति बनी तलवार, अंत तुझे खा जाएगा अत्याचार। धीर धरो मां देव की, दूर न दिन सुख मूल, अश्रु बनेंगे जननी के कल्प लता के फूल। मन मोहन की मोहिनी हरे अहम अभिमान, माया को मोहित करे मोहन की मुस्कान। नाथ्यों विषधर कालिया निर्मल कर दियो नीर, गूंजेगी मुरली मधुर, जीवन जमुना तीर। पापी हैं दोनों असुर अहंकार अभिमान, दोनों का मर्दन करें सदीय भगवान। गो पृथ्वी वाणी किरण गतिमति माता ज्ञान, गो माता को पूज कर तिलक करे भगवान। आत्मा अमर अमोघ है, नहीं साच को आच, पांडु पंच गुण हो गए आए पांडव पांच। माता ममता मूर्ति के पंच पुजारी प्राण, माता का आशीष ही पुत्रों का कल्याण। कुरुकुल गुरुकुल के प्रा
का मुख विद्या बुद्धि निधान सद्गुण को ही सुलभ है। सद्गुण की पहचान चंद्रवंश पर चल रहे विषधर काले वाण त्यागे कुमति कुसंग को जो चाहे कल्याण। महाराज हैं राज के सब युग पुरुष महान नव युग का आरंभ हो है सब आशावान। शंखनाद ने कर दिया समारोह का अंत, अंत कहां इस अंत का। कुरुक्षेत्र पर्यंत धर्म कर्म निश्चित करो, सुनकर समय पुकार, जग में आए किस लिए, इसका करो और अधिकार के बीच रखी तलवार काट फेंकती है किसे देखे उसकी धार। बाँच रहे हरि पत्रिका सुनते प्रेम पुकार, अक्षर अक्षर देखते खुला प्रेम का द्वार। ज्वालामुखी भविष्य है आशंका मेराज, चिंता कुल है वीरता, वीर विवश है आ। बुद्धि का ज्ञान कूटनीति के योग से बनता प्रलय समान।
हृदय में जल उठी। लाक्षाग्रह किया बंद किए गृह द्वार सब रैन बिताए जा। नारी हो या दानवी रखा प्रेम का मान। माता कुंती ने उसे रखो हृदय विश्वास। अवसर परखे वीर को वीर परखता बाण आंख लक्ष्य पर पार्थ की करे मत्स्य संधान। सज्जनता फिर झुक गई देखा बेबस रूप पांडुसुतों के हित बनी फिर वही काली धूप। पुत्र प्रेम के स्वार्थ में था अंधा धृतराष्ट्र दिखा विवशता व्यर्थ ही किया विभाजित राष्ट्र। भोले से बलराम को करके मीठी बात दुर्योधन की चाल ने फंसा लिया कर घात। अपमानित हो कर रहे शत्रु जहां चुपचाप वही मौन तूफान की है पहली पदचाप। राज्य न जीतो जीत लो अपने हित के मीत मीत बढ़ेंगे प्रीत से वही सही है जी।
बिगड़ी बात संवारना, सांवरिया कीरी पार्थ सुभद्रा मिल गए, हुई प्रेम की जी। अभिमानी के द्वार पर आए दीन दयाल, स्वयं चुन लिया अहम ने अपने हाथों का। बढ़ पाहुन के पग धोए रहे हरि, पीतांबर से पहुँच रहे हैं। बढ़ पाहुन के पग धोए रहे हरि, पीतांबर से पहुँच रहे हैं। जो हरि चरण बसे ऋषि मन में, वे ऋषि चरण पखार रहे हैं। जो नाथ है तीनों ही लोकन के, वे लोकन के अब दास बने हैं। हरि उपकारी करे उपकार, तो पतझर भी मधुमास बने हैं, पतझर भी मधुमास बने हैं। हरि उपकारी कर रहे आज अतिथि सत्कार, धन्य करे आतिथ्य को, धन्य करे व्यवहार। विदुर धर्म से कह रहे दुर्योधन को देख, नेकी कैसी चाहिए, राजा कैसा नेक। दुर्योधन के दुख को सह न सका धृतराष्ट्र, शकुनी ने उल्टा दिए नीति धर्म के शास्त्र। कपट सौम्यता का करे, कपट पूर्ण सम्मान, स्वार्थ कीच में नीच की नियत सके न जान। राजपाट सब हार कर हारे भाई चार, दास बने दासी बनी पांचालीसी नार। जुआ बुरा है खेलना, करे नाश धर्म राज का धर्म भी।
बंधा जुए के पार। गूंज उठी आकाश में नारी की आवाज, सन्नाटा सा छा गया, बीच सभा में आ। जो भी नारी जाति का करता यूं अपमान, उसका नाश अवश्य ही कर देता भगवान। एक और प्रतिशोध है, एक और अपमान, भीष्म घिरे हैं बीच में गहरी नदी समान। नारी के अपमान से गिरी सभ्यता आज, हार जीत के खेल में गई वंश की लाज। लेख विधि का नाटले कर लो लाख उपाय, धर्मराज ने आज फिर सब कुछ दिया लुटा। कपटी अपने कपट को देख ना पाता आप, एक एक दिन नाश का गिनता उसका पाप। आग न बुझती द्वेष की, बरसे मेघ महान, भीष्म द्रोण दोनों थके दे पाए नहीं ज्ञान। क्रोध और अपमान की बुझ न सकेगी ज्वाल, शौर्य न धीरज धर सका, खड़ा हुआ तत्काल। भड़क उठी जब वासना दिया क्रोध में शाप, रोक न पाई उर्वशी वेग काम का। देश प्रेम पर स्वार्थ ने विष का किया प्रयोग, भीष्म विदुर दोनों विवश है, असाध्य यह रो।
प्राण हरूंगा शकुन के, करता दुखी सदैव आज प्रतिज्ञा कर रहा। पांडु पुत्र सहदेव जब मन बेबस हो करे, कोई अनुचित काम, तब उसको ना दिखता क्या होगा परिणाम। भीष्म पितामह सोचते, सोच कांपते आप, नाश निमंत्रण दे रहा दुर्योधन का पाप। बाण चढ़ा कर धनुष पर करते भीष्म विचार, प्राणों से प्रिय जो मुझे कैसे करूं प्रहार। व्याह बने अभिमन्यु का कुरुकुल मिलन सुयोग, इसी आस विश्वास पर किए निमंत्रित लोग। कुल दर्पण में दर्प की जब जब पड़े दरार, विकृत रूप संवारना, मन चाहे हर बार। जब जब होती धर्म को सत्य शांति की चाह, तब तब शीश अधर्म का उठे रोकने रा। धर्म तुला में आ पड़ा युद्ध शांति का भाव, देखें अब क्या होत है युद्ध खड़ा उस पार। भूले जब घर के बड़े सत्य शांति का सार, धर्म राज का धर्म भी फंसे बीच मझधार। भाई भाई में युद्ध न हो और रहे धर्म का मान, चले शांति प्रस्ताव ले स्वयं कृष्ण भगवान।
जब बुद्धि विपरीत हो सचमुच काल विनाश लगता है कुरुवंश का नाश नाश बस ना जन्म जात कुंडल कवच थे अंगों के अंग वही काट कर दे दिए अद्भुत दिव्य प्रसंग कौरव सेनापति बनू अगर शर्त लो मान पांडव धर्म प्रतीक है हरूण उनके प्राण बड़ा धर्म संकट खड़ा कुंती का मन रोक किसे विजय आशीष दे किसे मौत का शोक दोनों अपने बाहु हैं दोनों अपनी शाख किसे बिठाऊं हृदय में किस पर डालूं राख माता ने सुत को दिया नहीं विजय वरदान चला हठी सुत युद्ध पर फिर भी सीना ता दोष भाग्य पर क्यों मढ़े दोष कर्म का जान छल करता क्यों आपसे अपने को पहचान आँच नहीं शस्त्राग्नि की धीमी पड़ने पा अग्निमूर्ति प्रतिशोध की शौर्य शक्ति बन जा कुरुक्षेत्र के युद्ध का पांचाली आधार यही बनी है ढाल भी यही बनी तलवार राह देखिए सूर्य की होगा नया प्रभात धर्म जूझने जा रहा है अधर्म के साथ
आत्मा तो मरता नहीं, मर जाती है देह। मन में तुम रखो नहीं दुविधा या संदेह। कर्म करो तुम ज्ञान से, श्रेष्ठ ज्ञान है धर्म। कर्म योग ही धर्म है, धर्म योग ही कर्म। महायुद्ध आगे खड़ा, काल बढ़ाए हाथ। भीष्म विवश हो दे रहे, दुर्योधन का सा। बलि भीम के वचन का, रखने को सम्मान। झुका दिए अभिमन्यु ने अपने तीर कमान। युद्ध खड़ा हो सामने, और विवश हो वीर। पल पल योद्धा सोचता, होता और अधीर। भरनी पड़ती है सदा अपनी करनिया। बोया जिसने पाप है, काटेगा वह पाप। भीष्म शिखंडी पर नहीं, कभी करेंगे वार। किंतु पितामह की करें रक्षा किसी प्रकार। सब शकुनी संग सोचते, कोई उचित उपाय। सब मिल घेरे तात को, उनके प्राण बचाए। शरशैया पर भीष्म है, करे कर्ण से बात। वीरों का यह धर्म है, रहे धर्म के साथ। द्रोण चले कर भीष्म को, अंतिम आज प्रणाम। फिर न दिखेगा भीष्म सा धीर वीर निष्काम। दुर्योधन ने कपट से
तुरत बनाई बात, वचन दिया झूठा स्वयं, किया मित्र से घात, वीर अकेला ही लड़ा, साथ साथ के साथ, और वीर गति पा गया, झुका गर्व का मान। राम बाण की ही तरह है अर्जुन का बाण, चूक न कर सकता कभी, जब कर ले संधा, दिए जा रहे सांत्वना, जयद्रथ को सब लोग, पर सबके मन खा रहा, भय का भीषण रो। आगे दिखता काल जब, सूझ न पड़ती चाल, ऐसे में तो मित्र भी लगते हैं विकराल, प्रण पूरा कर पार्थ ने सिद्ध किया संधा, जयद्रथ पितु संग मिटा, बचे पार्थ के प्राण, कर न सकेगा कर्ण अब फिर से शक्ति प्रयोग, यही सोच हरि हंस दिए, दिखे दुखी सब लोग, अमर घटोत्कच ने किया, मर कर यह परमार्थ, कर्ण अरक्षित हो गया, हुआ सुरक्षित पार्थ, मर्यादाएं मर मिटी, घिरी अंधेरी रात, आदर्शों की अब कहीं सुने न कोई बात, कर्णधार जब कर्ण हो, नियम न होंगे भंग, दानवीर की वीरता सदा रहेगी संग, दानवीर का हो गया इस
प्रकार बलिदान। पांचों पांडव पा गए जीवन का वरदान। मरे मित्र के साथ ही विजय आस विश्वास, आंसू ही आंसू बचे दुर्योधन के पास। प्रण पूरा कर भीम ने जंघा डाली तो माता का वरदान भी गया दुष्ट को छोड़। समझाया श्री कृष्ण ने क्रुद्ध ना हो बलराम, ये तो है फल पाप का यही न्याय का काम। वंश नाश करने चला सब मर्यादा खो, बाल न बांका कर सके जो कृपा कृष्ण की हो। जो कुछ है संसार में, जो कुछ है संसार, इसी कथा में कह दिया वेद व्यास ने सार। याद रखें हम आप सब कर्मों के परिणाम, विदा ले रहे आज हम करते हुए प्रणाम। सीख हम बीते युगों से नए युग का करे स्वागत। भारत की है कहानी सदियों से भी पुरानी, है ज्ञान की ये गंगा ऋषियों की अमर भानी। ये विश्व भारती है